हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज हमारे आपके तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। हेलो दोस्तों, मुझसे क्या हुआ? आवाज जाए ना। तुमसे ना हो पाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीखो सिखाओ पे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारी समझ गई। तो आज हम एक ट्रिक लेके आए हैं मेंटलिज्म की आपके लिए, और वो ट्रिक आप भी सीखने वाली हैं। तो ट्रिक बहुत ही जबरदस्त है, शायद बहुत कम ही लोग इसका सीक्रेट जानते हो। हाँ, जो मेरे कोर्स में है वो जरूर जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं वो तो भी जान लेंगे, और बाकी आज सभी इसका रहस्य जानने वाले हैं। और दोस्तों, ऐसी कई ट्रिक मेंटलिज्म की जो मेरे कोर्स में आपको मिलने वाली है, एक से एक यूनिक। जब मैं इतनी इतनी पावरफुल ट्रिक पब्लिक में रिवील कर देता हूँ, सोचिए तो मेरे पास और कितनी ट्रिक रहती होंगी, वो आपको सब कुछ मिलने वाला है। नहीं, आप कितने लेवल का दिखा देते हो, कितने लेवल का आपके पास है। तो बहुत लेवल है। तो देखिए, मेरे पास एक ब्लैंक पेपर है जी, ठीक है, आप देख लीजिए, दोनों से चेक कर लीजिए। मैं इसको कुछ ऐसे मोड़ के से फोल्ड पे कुछ ब्लॉक से बना लिए हैं, देखिए, ठीक है। कि मैंने इसलिए बनाया कि मैं इनमें सब में कुछ नाम लिखूंगा, ठीक जी, ठीक। तो ये नाम आपकी चॉइस होंगे, मेरी चॉइस के नहीं होंगे। अब गेम क्या है, होने वाला है, ये आप आगे आगे देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई सबसे पहले कुछ सब्जी के नाम बोलें। आलू। आलू, मतलब जरूरी नहीं कि आलू कुछ भी हो सकते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ कि चल, सबसे पहले मैं आलू लिखता हूँ। आपको आलू, या आलू आपकी वैसे भी फेवरेट सब्जी है। आलू, भिंडी, चलिए मैं लिखता हूँ, देखिए आपके सामने लिख रहा हूँ, भिंडी, ठीक है। करेला। करेला, करेला, चलिए हो गए। अब आप कुछ और भी नाम लिख सकते हैं, ऐसा ही नहीं कि सब्जी के ही लिखने हैं, कंपल्सरी नहीं, कुछ और भी नाम बोल सकते हैं आप। जैसे अमरूद, हेलो मैं आ गया, चलिए अमरूद लिख देता हूँ मैं। अमरूद, अनानास। अनानास, एक मिनट, एक काम और करते हैं, मैं यहीं पे स्टॉप हो जा रहा हूँ थोड़ी देर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक पर्चे में कुछ मेरे मन में आ रहा है, कुछ मैं लिखना चाहता हूँ, मैं दिखाऊंगा नहीं क्या है, मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी तो आपकी बहुत सारी चॉइस बची हैं इसमें, अभी एक दो तीन चार चॉइस हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, वो तो आप कुछ भी बोल सकती हैं जी। जी, तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, क्या चीजें क्या लिखा आपने? वो उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने क्या लिखा था कि ये कुछ मैंने लिखा है, ठीक, कुछ लिखा है, वो क्या लिखा है ये तो आपको बाद में पता चलेगा। तो सॉरी, तो अब आपने एक भिंडी बोला, आलू बोला, करेला बोला, अमरूद बोला, आप चाहे तो कोई अनानास, आप कोई इंसान का नाम भी बोल सकती हैं, फिलहाल अनानास लिख देते हैं। अनानास, ठीक हो गया, ठीक है, देखिए आसन लिख दीजिए, मैं वही लिख रहा हूँ जो आप कह रही हैं, असल में कुछ और लिख रहा हूँ, नहीं नहीं वही लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। पिंकी। पिंकी, ठीक है, और कुछ? कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी चॉइस है, चूड़ी बोल सकते हो, माइक बोल सकते हो, मैं चॉइस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ भी बोल सकते, इतने नाम है दुनिया में, कुछ भी बोल सकते हो। मेज। मेज बोल सकते हो, ठीक है। मेज। पंखा। पंखा, अच्छा, सब तुम्हारी चॉइस थी, कोई मैंने फोर्स किया जी नहीं? पक्का? पक्का, 100%। तो मैं एक बार दिखा दूँ कैमरे पे, देखिए इन्होंने जो नाम बोले आ रहे हैं नहीं आ रहे, अगर नहीं भी आ रहे तो आप समझिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो रियल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जो नाम आपने बोले आपने लिखे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपके सामने ही सामने मैं इनको हर नाम को काट के अलग अलग करते हुए पर्ची रूप में बना देता हूँ, छोटी छोटी पर्चियाँ बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए आपके सामने हो रहा है, जो भी हो रहा है,
इस पेन को हटा देते हैं और ये इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, कैमरे के आगे। आपको हर मूव बिल्कुल ध्यान से देखना है कि मैं कुछ कर तो नहीं रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जो रियल है, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है, इसको रख कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, मेरे पास एक बॉक्स है छोटा सा, ठीक है, बॉक्स है खाली है, ये डस्टबिन है हमारा, वैसे तो हम अपना पूरा कबाड़ा से फेंक देते हैं कागज के जो पर्चियाँ गलत होती है, तो अभी ये हमारा नजीक का बॉक्स बनने वाला है, इसको हम सामने ही रखते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है, ये कैमरे पे लगातार रखना चाहिए, ठीक है, आपके सामने तो आई ना, मुझे तो दिख ही रहा है, कैमरे आ ही रहा होगा शायद, तो लिखा क्या हुआ यार, वो लिखा है नहीं पता चल जाएगा, देखिए बॉक्स खाली, बॉक्स खाली। अब आप अपने हाथों से सारी पर्ची उठाइए, सारी पर्ची एक साथ उठा दीजिए, ऐसे उठा इसमें डाल दीजिए, डाल दी, उसके अलावा कोई जो आपने चॉइस दी वही पर्ची इसके अंदर ली ना जी। अब इसको ऐसे हिलाइए, मिक्स कर लीजिए इस पर्चियों को, हाथ से भी कर लीजिए, हाथ से भी कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, इसमें से कुछ पर्ची अपने हाथ में निकालिए और टेबल पे से छोड़ दीजिए, देखना कुछ भी नहीं, देख के नहीं निकाल, देख के नहीं निकाल, सारी पर्ची निकाल दीजिए, सारी पर्ची निकाल दीजिए और यहाँ पे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, बस छोड़ दीजिए, ऐसे मोड़ भी नहीं है सर, मोड़ मार, मोड़ की नहीं, वैसे करके निकालिए, ये है देखिए, ठीक है, ये भी दो बची है, इसको भी से डाल दीजिए, ठीक है। अब हम गेम में क्या करेंगे, जो फेस अप रहेंगे, जो भी फेस अप आ रहे हैं इनको हम गेम में रखेंगे, जब फेस डाउन आ गए इसको बाहर कर देंगे, आप बात समझ गए, देखिए एक पर्ची उल्टी है, कौन सी, मेज, मेज को हम डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है, मोड़नी नहीं है पर्ची, ठीक है, पर्ची मोड़नी नहीं है, पर्ची को ऐसे रख दीजिए, फिर आप पर्ची ऐसे इकट्ठा कीजिए, प्रेम से इकट्ठा कीजिए, ऐसे कर दिया, अब आप इसमें डाल दीजिए सारी पर्ची, आप फिर ऐसे करिए और आप बॉक्स ही पलट दीजिए, ठीक है, ज़्यादा आपको नीचे उतना है, लीजिए मिक्स करिए, देखना नहीं है, बस पलट दीजिए बॉक्स को, पलट दिया, सबको ऐसे कर दिया। अब इस बार भी सब फेस डाउन है, एक ही फेस, सॉरी फेस, सारे फेस अप है, एक ही फेस डाउन है, वो कौन सा है, अमरूद, अनानास, सॉरी अनानास, तो अनानास को अलग कर दे रहे हैं, बाकी जो फेस अप है आपको फिर समेटने हैं, ऐसे मैं ही समेट दे रहा हूँ, ठीक है, और हम इसमें फिर डाल दे रहे हैं, ठीक है, आप फिर करिए ऐसे मिक्स, थोड़ा ऐसे ऐसे भी कर देंगे, ठीक है, मिक्स कर लें, कुछ चलने में पर्ची सारे उलट पलट हो जाए और फिर डाल दीजिए, हो गई। अब इसको देख लेते हैं, इस बार भी एक ही फेस डाउन है, बाकी सारे फेस अप हैं, जो डाउन है वो क्या है, करेला, करेला भी लग कर देते हैं, सब फेस अप है। अब इसमें फिर आप डाल दीजिए, ठीक है, डाल दिए और आपको फिर ऐसे ऐसे करना है और फिर इसको उल्टा कर देना है, ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन गेम देखिए कितना शानदार है, इस बार भी एक ही हो रहा है, हमेशा एक ही डाउन हो रहा है, बाकी चलिए कोई बात नहीं, जो डाउन हुआ है वो है अमरूद, ठीक है, अमरूद और बाकी सब फेस अप है, फिर डाल दीजिए इसमें आप, कोशिश करने की देखना नहीं है, बस ऐसे करना, ठीक है, जो भी कुछ हो रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है, ठीक है, फिर वो कर दो, सब फेस अप है, फिर से भर दो उसमें पर्चियों को, देखना नहीं है, बस आईडी से, एक और है भाई, एक और है, एक और है मैडम, एक और इसको भी डालो, वैसे भी बोल रहा हूँ, पलटेंगे, हाँ ठीक है, डाल दो। अब इसको देखो क्या है, एक आलू है, एक पंखा है, ठीक है, एक आलू और पंखा फेस अप है और ये डाउन है, तो डाउन वाले अलग कर देते हैं, भिंडी और पिंकी गई, अब आप इसको भी डाल दीजिए इसमें, देखना नहीं है पर्ची को, सब जो पूरा हुआ अपने आप हो रहा है, फिर डाल दीजिए। अब देखिए एक आलू है और एक फेस डाउन है, जो फेस डाउन है हम देख लेते हैं क्या है, पंखा, ठीक है, ये देखिए, अब जो फेस अप है वो क्या है, आलू, मैं पब्लिक को भी दिखा देता हूँ, जनता को भी दिखा देता हूँ, देखिए, बाकी आप प्रमाण है इस बात का कि आप सीधे देख रहे हैं दोस्तों, आपको बिल्कुल ऐसे ही मैजिक करना, क्योंकि सीक्रेट तो आपको मिलने ही वाला है, तो आप जानेंगे क्या है, अरे जो कुछ भी हुआ अपने आप हुआ, या मैंने जबरदस्ती फेस डाउन कर दिया आपके सामने और ऐसा नहीं था, जो होता कुछ भी नहीं, नहीं जो कुछ किया आपने किया, जो कुछ हुआ मतलब खुद हुआ, स्वाभाविक हुआ, कुदरत की मर्जी से हुआ, लेकिन मैं कह दूं कि नहीं, जो कुछ भी होता है वो मेरी मर्जी से होता है जी, मैं पहले ही से ही जानता हूँ कि भविष्य में क्या होने वाला है
और मैंने ये पहले ही पर्ची बना दी थी, इतने नाम से सब आपने लिखे, लेकिन मुझे पता था कि आप आलू को ही चुनेगी, लास्ट में आलू ही आएगा। दोस्तों ये देखिए, इतने नाम थे, कोई भी लास्ट में पर्ची आ सकती थी, लेकिन आलू ही आने थी क्योंकि मेरा फेवरेट है। तो पसंद ना जी, मैंने कहा कि मेरी बीबी को आलू पसंद, तो आलू ही हमें बचाना चाहिए, ठीक है। दोस्तों कैसा लगा मैजिक? मैजिक तो पक्का ही आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत शानदार लगा होगा। अच्छा, बहुत अच्छा। तो सीक्रेट दे दें, तो सीक्रेट नेक्स्ट वीडियो में दे दें। नेक्स्ट वीडियो में देंगे, पक्का पक्का। थोड़ा सा देख लेना, ये मेरी गारंटी है, नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा मेरा उसमें सीक्रेट में जरूर दूंगा जी। और आप चौंका सकते हैं कि कैसे, जिसको पता है वो कमेंट में जरूर कहें। तब तक आप बात करिए, आगे आगे बढ़ाइए वीडियो को, फिर आपको मिल जाएगा सीक्रेट जिसको। अरे बहुत धोखा खा चुका, गुस्सा हो गए। क्यों कहने वाले से करिए, बेवकूफ बनाते हो, खूब लाइक मांगते हो और वो करते हो, कुछ सीक्रेट नहीं दे रहे हो। क्यों ऐसा नहीं, परसों मैंने कही थी उसका भी सीक्रेट दिया था, परसों दिया था वीडियो में। हां परसों का सीक्रेट किया, लेकिन नहीं हमने बहुत वीडियो बोला ना कि इतने लाइक करा दो तो हम देंगे, लेकिन हाँ उसकी गलती देखी है बिल्कुल, हमने जो कहा था कि, लेकिन हमने कहा एक मंथ में अगर इतने लाइक आते, वो एक साल में आ रहे हैं, वो 100 लाइक का 200 लाइक क्या करेंगे उस लाइक का, वीडियो पिट जाती है, फिर वो सारा खेल एक महीने का है। हम लोग को भी जो भी अर्निंग होगी वो एक महीने के अंदर ही होगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं जो अगले महीने की पेमेंट वो मुझे मिल जाएगी, वो नहीं मिलेगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसमें, लेकिन इसका तो आप नहीं भी करेंगे लाइक ना दोस्तों, तब भी दूंगा, ये मेरी तरह से आपके लिए गिफ्ट है। मत कीजिए लाइक, आपको नहीं लगता है अच्छा मत कीजिए, मत कीजिए कमेंट, अगर लगता है तो आप जरूर कीजिए। सीक्रेट में इसका नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर दूंगा, ठीक है। ठीक है, समय की कमी है तो मैं अभी भी देता, लेकिन वीडियो बनाना आप समझते हैं बहुत लंबा होता है, लेकिन वीडियो को इतना खींचना अच्छी बात नहीं है, ये पर्ची इसमें ही इतना समय लग गया। नेक्स्ट टाइम मैं इसको इतना नहीं दूंगा, सीधे बोल दूंगा मैंने ऐसा ऐसा दिखाया था और इसका सीक्रेट ये है, ठीक है जी। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।